वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में कोयला संकट की बात को पूरी तरीके से निराधार यानी बेसलेस बताया है और वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। वित्त मंत्री ने बिजली संकट को भी निराधार बताते हुए कहा कि सच तो यह है कि भारत बिजली के मामले में सरप्लस यानी जरूरत से ज्यादा उत्पादन वाला देश है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सीतारमण ने कहा कि दो दिन पहले बिजली मंत्री आरके सिंह भी ऑन रिकॉर्ड ही कह चुके हैं कि कोयले की कमी के बारे में निराधार खबरें चलाई जा रही हैं। गौरतलब है कि ऐसी तमाम खबरें मीडिया में चल रही हैं कि देश में कुछ ही दिन का कोयला स्टॉक बचा है और अगर सरकार ने उचित कदम नहीं उठाया तो देश भारी बिजली संकट में आ सकता है। इसकी वजह यह है कि देश में बिजली का करीब 70% उत्पादन कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट से होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पूरी तरह से निराधार किसी चीज में कोई कमी नहीं है। सच तो यह है कि जहाँ तक मुझे याद है बिजली मंत्री ने यह कहा था कि हर बिजली उत्पादन केंद्र में अपने परिसर में 4 दिन का कोयला मौजूद है और सप्लाई चेन भी किसी तरीके से अड़चन नहीं है। मुसावर रहमानी सेंटर फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट ने निर्मला से संवाद का एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें सीतारमण से हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने सवाल पूछा क्या भारत में बिजली और कोयले की कमी के बारे में खबरें आ रही हैं वो सच हैं। इस पर निर्मला ने कहा कि ऐसा कोई संकट नहीं है जिससे बिजली उत्पादन में बाधा आए। भारत अब एक पावर सरप्लस देश है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।